सब्सक्राइब करें मेडिकल गुरुजी चैनल को और साथ ही दबाएं बेल आइकन को ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। स्वागत है दोस्तों आपका मेडिकल गुरुजी के एक फ्रेश एपिसोड में। मेरा नाम है नीरव एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोसीजर के बारे में। ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत ही डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ ये वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, तो हो सके तो वीडियो को अंत जरूर से देखें। आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अभी भी इंडिया में इतने अच्छे लेवल पे नहीं चल रहा है। उसका रीजन है कि हम सभी डोनेट नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पे आज ये वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक पूरी प्रोसेस के, प्रोसेस क्या है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की, कि अगर किसी को जरूरत है तो क्या प्रोसेस रहेगी, किस तरह से उन्हें ऑर्गन मिलेगी, सारी चीजें आपको ये वीडियो में बताने वाला हूँ। हो सके तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। अब दोस्तों यहाँ पे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कोई ऐसी चीज नहीं है कि आज आप हॉस्पिटल में गए कल आपकी सर्जरी हो जाएगी। ये बहुत ही डिफिकल्ट चीज है। सबसे पहले अगर किसी पेशेंट को जरूरत है, मान लीजिए किसी पेशेंट का डायलिसिस हो रहा है पिछले एक साल से लेकिन अब ऐसी कंडीशन है कि किडनी बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है, उस पेशेंट को ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत है। जब वो ट्रांसप्लांटेशन सेंटर में जाएगा, ऐसा भी नहीं है कि हर एक हॉस्पिटल में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है, जिस हॉस्पिटल में वो होता है वहां पे वो पेशेंट जाएगा, उसका चेकअप होगा, उसकी हिस्ट्री चेक की जाएगी, उसकी फिजिकल कंडीशन चेक की जाएगी। अगर ऐसा लगता है कि हाँ ये पेशेंट फिजिकली फिट है, इसमें ट्रांसप्लांटेशन की प्रोसीजर हो सकती है, उसके बाद उस पेशेंट का रजिस्ट्रेशन होता है एंड वो पेशेंट का नाम जाता है नेशनल ट्रांसप्लांटेशन वेटिंग लिस्ट में। नेशनल ट्रांसप्लांटेशन वेटिंग लिस्ट में इस पेशेंट का नाम जाता है। अब यहां पे कुछ ऐसे पैरामीटर्स है जो आपको जानना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो लिस्ट है उसमें कुछ क्राइटेरिया फॉलो होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, उसी के बारे में आपको बताने वाला हूं। यहां पे जो क्राइटेरिया कंसीडर होते हैं वो है ब्लड टाइप, ब्लड बॉडी साइज, कंडीशन क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम डॉक्टर, टिश्यू टाइप, टाइम ऑन लिस्ट, ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है, एंड रेस, जेंडर, इनकम, सेलिब्रिटी एंड सोशल स्टेटस को इग्नोर किया जाता है। यहाँ पे रेस, जेंडर, इनकम, सेलिब्रिटी एंड सोशल स्टेटस को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया जाता है ये लिस्ट में। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कल उठ के कोई सेलिब्रिटी या फिल्म स्टार को ऑर्गन की जरूरत पड़ेगी तो उन्हें ऑर्गन फास्ट मिलेगा, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, उन्हें भी नेशनल वेटिंग लिस्ट में जाना पड़ेगा। और अगर वहां पे कोई ब्लैक मार्केट है तो उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन इन जनरल इंडिया में उन्हें एक लिस्ट फॉलो करके ही ऑर्गन मिलेगा। अगर वो टाइम पे उन्हें मिले तो ठीक है, लेकिन दुख की बात यह है कि काफी सारे लोगों को ऑर्गन नहीं मिलते, उसके ही वजह से हर रोज 18 लोगों की मौत होती है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन। जब पेशेंट खुद रजिस्टर करता है उसका नाम जाता है नेशनल ट्रांसप्लांटेशन वेटिंग लिस्ट में। अब उसके बाद अगर कोई पेशेंट का ब्रेन डैमेज होता है, उस केस में उसके सारे ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं, जब ऐसी सिचुएशन है कि ब्रेन की जो कंडीशन है उसे रिवर्स नहीं किया जा सकता और उसे ब्रेन डेड डिक्लेयर किया जाता है, अगर ऐसा कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तब जाके हॉस्पिटल वाले जो लोग होते हैं वो कॉन्टेक्ट करते हैं ऑर्गन प्रोक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन का। अब ये ऑर्गेनाइजेशन चेक करती है कि ये जो पेशेंट है उसका नाम ऑर्गन डोनेशन लिस्ट में है, नेशनल ऑर्गन डोनेशन का जो लिस्ट होता है उसमें क्या इन्होंने कभी कोई फॉर्म भरा हुआ है। अगर भरा हुआ है तो फैमिली से बात करके ऑर्गन रिमूव करते हैं, नहीं है उनका नाम नहीं है तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ट्राई करती है फैमिली को कन्विंस करने के लिए, ताकि जो ऑर्गन्स है उसकी मदद से लोगों की जान बचे। यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि एक आदमी अगर ऑर्गन डोनेशन करता है तो उससे 8 लोगों की जान बच सकती है, किडनी, लीवर, हार्ट, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन, वो सारी चीजें डोनर के टोटल 8 लोगों की जान बच सकती है, एंड टिश्यू डोनेशन अप टू 50 लाइफ बच सकती है। तो यहाँ पे ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गन प्रोक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो ये सारी चीज करता है। उसके बाद पेशेंट का चेकअप होता है कि पेशेंट की एज क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, उस हिसाब से सारे डेटा, जो डेटा है वो नेशनल
ट्रांसप्लांटेशन वेटिंग लिस्ट में डाली जाती है, और वहां से वो सारे जो ये लिस्ट है उसमें सर्च किया जाता है कि कौन कौन से पेशेंट्स इस हिसाब से फिट है। मान लीजिए यहाँ पे दो लिस्ट में से दो लोग हैं ए एंड बी, ए का ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, अगर वो पेशेंट ए नेगेटिव वाला है तो वहां पे वो दूसरे पर्सन को चांस मिलेगा ऑर्गन डोनेशन के लिए। तो यहाँ पे सारी चीज अगर फिक्स हो जाती है कि हाँ पेशेंट हेल्दी है ट्रांसप्लांट हो सकता है, उसके बाद ये सारी चीज चेक की जाती है लिस्ट में कि कौन कौन से पेशेंट्स को ऑर्गन दिए जा सकते हैं, उन पेशेंट्स को फोन किया जाता है। लेकिन उसके बाद भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ये है कि पेशेंट से जो जो एक्सपायर हो गया है जो डोनर है उससे पेशेंट का डिस्टेंस क्या है, वो सारी चीजें कैलकुलेट करके ऑर्गन्स को रिमूव किया जाता है, क्विकली उन्हें सेंटर्स पे ट्रांसफर किया जाता है। जब ये लिस्ट में फेचिंग का काम खत्म होता है वो कॉल जाता है पेशेंट को कि हमें आपके लिए सुटेबल डोनर मिल चुका है, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है, वहां से ऑर्गन जो है वो हॉस्पिटल में लाया जाता है एंड ट्रांसप्लांट की प्रोसीजर जो है वो होती है। तो कुछ इस तरह से इंडिया में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की प्रोसीजर बैलेंस की हुई है। यहाँ पे मेरे हिसाब से तो कोई भी जगह पे लैकिंग नहीं है, लेकिन मुझे आपकी आपके भी विचार जानने हैं कि क्या आपको लगता है कि ये प्रोसीजर को किस तरह से इंप्रूव किया जा सकता है। अगर आपके मन में भी कोई विचार है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताइए। बस ये वीडियो में इतना ही, आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा, शेयर कीजिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि पता चले लोगों को कि इंडिया में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की मेथड क्या है, कौन सी मेथड फॉलो करनी पड़ती है, कितना टाइम लग सकता है। यहाँ पे मैं फिर से बताना चाहता हूँ, हर रोज 18 लोग मरते हैं क्योंकि उन्हें प्रॉपर डोनर टाइम पे नहीं मिलता है, जिसके पीछे रीजन हम ही है, हम डोनेशन करना ही नहीं चाहते। तो यहाँ पे एक अवेयरनेस भी है, आप भी डोनर का फॉर्म भरिए, अगर मरने के बाद आप 8 लोगों की जान बचा सकते हो तो आप सोचिए कि कितना हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे अगर आपने वो फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म बिल्कुल ही भरिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि इंडिया भी ट्रांसप्लांटेशन लेवल में आगे बढ़ सके। तो बस ये वीडियो में इतना ही, शेयर कीजिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, फेसबुक पे व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे सारे सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे, ताकि लोगों को अवेयरनेस आए, लोग फॉर्म भरे और वो जो 18 वाला नंबर है वो एटलीस्ट हम गिरा के 8 तक ला पाए, अगर वो होगा बहुत ही अच्छी बात होगी। शेयर बिल्कुल भी करिएगा, अगर आपको ऐसे वीडियोस देखने हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेडिकल गुरुजी चैनल को और साथ ही दबाइए बेल आइकन को, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। अगर अभी तक आपने हमारा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, वहां पे भी हम ऐसे ही अपडेट्स डालते हैं, यहां से मिस करोगे वहां पे देख पाओगे। बहुत ही जल्दी फ्रेश कॉन्टेंट के साथ से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।